भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी SFI और DYFI ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत आज हमीरपुर में धरना प्रदर्शन किया गया व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सरकार के द्वारा की गई बस किराए में वृद्धि, डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिजली के बिलों में बढ़ोतरी को लेकर हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान C2 के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को बढ़ावा दिया है। वहीं हमीरपुर में जमीन में रजिस्ट्री के मामले को लेकर कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यवसायी द्वारा जमीन की रजिस्ट्री करवाई जा रही थी, वह हिमाचल का निवासी है या नहीं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वे बिजली के बिलों का भुगतान करें या रसोई के खर्चों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेगुलर नौकरियां भी खत्म कर दी हैं, जिस कारण आज देश में 14 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी जिला के हर ब्लॉक स्तर तक केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार की जन विरोधी नीतियों से जन जन को अवगत करवाएगी। सिंह ठाकुर राष्ट्रीय सचिव CHU आज वामपंथी पार्टियों की तरफ से, किसानों की पार्टी हैं CHU की तरफ से, नौजवान सभा की तरफ से पूरे देश में एक आह्वान है कि सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएं। सरकार का नीति क्या है, पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, हमारे देश में महंगा हो गया और आज उसी की वजह से बसों के किराए बढ़ गए, जिसकी मार गरीब लोगों पर पड़ रही है। इसके साथ साथ बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और पूरे देश को बेचा जा रहा है, रेल को बेचा जा रहा है, बैंकों को बेचा जा रहा है, बंदरगाहों को बेचा जा रहा है, हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है और यह सरकार जो है पूरी तरह से जन विरोधी काम कर रही है। और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं मनरेगा में पूरा जो सिस्टम है वो ठेकों पर चल रहा है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। 120 दिन का काम जो है सरकार कहती है हम देंगे, पर आज तक जो है लोगों को काम मिला नहीं। और आज बहुत सारे लोग आप देखेंगे बसें नहीं हैं, कोई सुविधा नहीं है, उसके बावजूद जो है इस ब्लॉक में सैकड़ों लोग जो है आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, ये सरकार जो है वो कतई तौर पर इसका कोई किसी सिस्टम पर कंट्रोल नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हमीरपुर जिला में रिश्वत का एक बड़ा मामला जो है सामने आया है। ये कानगो जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा रिश्वत लेकर जो है वो पकड़ा गया, परंतु आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो हम मांग करते हैं कि गिरफ्तार करो। और दूसरी बात है कि जो जिसकी रजिस्ट्री भी की गई है, सूरज जो मिठाई की दुकान वाला जो मालिक है, वो तो यहाँ का बाशिंदा नहीं है, वो कृषि किसान भी नहीं है, तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई, इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। धारा 118 का परमिशन होना चाहिए था, तब कहीं किसी को ज़मीन ले सकता है कोई हिमाचल प्रदेश में, वो है कि नहीं है उसकी छानबीन होनी चाहिए। और अगर कोई इस तरह का रजिस्ट्री हुआ भी है तो रजिस्ट्री रद्द होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं। और ये रजिस्ट्री करते समय भी रिश्वत दी गई, हम ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए ये मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम यहाँ धरना रैली प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद हर ब्लॉक में इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। 24 तारीख को हमने भोरंज में किया, अभी आज यहाँ कर रहे हैं, इसके बाद अलग अलग ब्लॉकों में हम लोग करेंगे। तो ये मुद्दे हैं जो आप जनता के मुद्दे हैं। बिजली बोर्डों को सरकार बंद कर रही है और उसका जनता पर बोझ इतना पड़ेगा कि लोग किचन की बजाय बिजली का बिल देंगे कि किचन का खर्चा चलाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए सरकार जो है कोरोना महामारी के दौरान में मजदूरों के कानून भी सारे बदल दिए, 8 घंटे से 12 घंटे का ड्यूटी कर दिया और रेगुलर नौकरियां खत्म कर दी। 14 करोड़ लोग जो है अभी देश में बेरोजगार हो गए सरकारी के लिए। तो इस सरकार जो है जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती थी, आज 14 करोड़ बेरोजगार हो गए। इसलिए जो है आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और हम गांव-गांव में ये जागरण कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। जनता को सरकार बेवकूफ बना रही है, कभी कह रही है थाली बजाओ ताली बजाओ, कभी कह रही दीवे जलाओ। अरे बीमारी जाएगी किसी दवाई से, किसी टीके से, किसी वैक्सीन से, ताली और थाली बजाने से बीमारी जाएगी नहीं। तो इसलिए सरकार जो है नौटंकी कर रही है, हम लोगों के बीच में इस बात को रखना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को धन्यवाद। तहसीलदार जिसने रजिस्ट्री की है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें शक है कि उसमें भी पैसे का लेन देन हुआ है।
उसमें पैसे का लेन देन हुआ है, हमारा शक ये है और इसलिए पूरी उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर हिस्ट्री गलत हुई है तो रद्द होनी चाहिए। और मंत्री भी तो सरकार का ही है, इस सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तहसीलदार भ्रष्टाचार कर रहा है, कानगो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण है उनको, सरकार का आशीर्वाद है उनको, ये है। तो सरकार भ्रष्टाचारी है एक तरह से, ये साधुओं के चोड़ा उड़े हुए हैं परंतु भ्रष्टाचारी का काम कर रहे हैं।